हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट वेलिंग वंस अगेन। फ्रेंड्स, आजकल आप लोगों ने कुछ सिम्टम्स जरूरी देखे होंगे कि पीछे कमर से लेके जांघों तक हिप्स में बहुत ज़्यादा नंबनेस, दर्द, इसी के साथ नीचे तक खिंचता हुआ टिंगलिंग सेंसेशन वाला पेन रहता है, जिसको हम आम भाषा में साइटिका नर्व की प्रॉब्लम बोलते हैं, साइटिका की प्रॉब्लम बोलते हैं। इसका जनरली बहुत कम पैथियों में ट्रीटमेंट होता है। अगर आप लोग किसी दूसरी पैथी के पास जाते हैं होम्योपैथी के अलावा, तो वह आपको देते हैं पेन किलर्स, दर्द निवारक दवाइयाँ। होता क्या है कि जब तक आप लोग दर्द निवारक दवाइयाँ खाते रहते हैं, तब तक आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही आप लोग वह दर्द निवारक दवाइयाँ बंद कर देते हैं, तो आप लोगों की यह साइटिका की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सीवियर रूप ले लेती है। तो फ्रेंड्स, अब क्या करें? डोंट वरी दोस्तों, आज की समिंग वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है साइटिक एंड ड्रॉप्स। फ्रेंड्स, यह होम्योटेक कंपनी की तरफ से आती है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने खुद भी अपने क्लिनिक पर काफ़ी बार इसको यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी, कहाँ से आप लोगों को इसको परचेस करना है, क्या इसमें कंपोजिशन मिलाया गया है, क्या उन मेडिसिन का वर्क है और किस तरीके से इस मेडिसिन को यूज़ करनी है और क्या इसके रिजल्ट्स हैं, कितने दिनों में आप लोगों को रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे, गलत तरीके से मेडिसिन को लेंगे, तो फिर आप बोलेंगे कि होम्योपैथी ने हमारे लिए वर्क नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखिए। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके लोगों के लिए लाते रहते हैं और हमेशा आपको स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस समय वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि इस मेडिसिन को आप लोगों को खरीदना कहाँ से है। तो फ्रेंड्स, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते हैं या फिर आप लोग किसी भी नज़दीकी क्लिनिक से इसको खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन मिलाई गई है, मतलब कि इसका कंपोजिशन क्या है। तो इसमें मिलाया गया है एकोनाइट, मैकफॉस, नेफेलियम, कोलोसिंथ और आर्सेनिक एल्बम जैसी मेडिसिंस। फ्रेंड्स, सारी की सारी मेडिसिंस बहुत अच्छी होती हैं साइटिका की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन से हमें कितने दिनों में रिलीफ मिलेगा, मतलब कि रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको 15 से लेकर 20 दिन भी रेगुलरली लेते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी सारे सिम्टम्स में रिलीफ मिल जाएगा। अब जानते हैं कि किन किन सिम्टम्स में, मतलब कि किस टाइप के दर्द में, किस टाइप के सेंसेशन में आप लोग इसको ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पीछे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, खिंचता हुआ दर्द होता है पीछे बैक से लेके हिप में, हिप से लेके आपके पीछे जांग में और एड़ी तक भी अगर वह पेन पहुंच जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को इसको लेना है। बेड रेस्ट बिल्कुल करना पड़ रहा है, बिल्कुल ही बॉडी मूव नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा सुनपन आ गया है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बिल्कुल सुन हो गई है पीछे की बॉडी, कमर से लेके आपके हिप्स तक, आपके पीछे जांघों तक ऐसा लग रहा है कि बहुत खिंचता हुआ दर्द हो रहा है, बिल्कुल सुन पड़ चुकी है बॉडी, बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सारी के सारी प्रॉब्लम्स को यह ठीक कर देगा, मतलब कि साइटिका के जो भी सिम्टम्स हैं वह सारे के सारे सिम्टम्स को यह ड्रॉप्स ठीक कर देगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन को लेना कैसे है। तो आप लोगों को आधा कप कुनकुना पानी करना है, इसके 20 ड्रॉप्स डालने हैं सुबह शाम और आप लोगों को इसको पी लेना है। फ्रेंड्स, खास ध्यान आप लोगों को दो बातों का रखना है कि स्टील में आप लोग इसको ना लें तो अच्छा है, आप लोग चीनी के कप जो आते हैं उसमें आधा कप बिल्कुल हल्का सा ल्यूकवॉर्म बॉटल लें, उसमें 20 ड्रॉप्स डालें और इसको पी लें। फ्रेंड्स, इसी के साथ आप लोगों को इस मेडिसिन के लेने के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद में कुछ भी खाना पीना नहीं है, वरना आप लोगों को यह मेडिसिन थोड़ा कम असर करेगी। और इसी के साथ आप लोगों को थोड़ा दही का इस्तेमाल कम करना है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लाइक प्याज, लहसुन और हींग का थोड़ा कम उपयोग करना है कच्चा, और आप लोगों को कॉफ़ी का भी थोड़ा कम सेवन करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आप लोगों को इस मेडिसिन के बारे में, साइटिका के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दे पाई होगी। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सवाल है, तो बेफिक्र होकर आप लोग नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बहुत जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए। और फ्रेंड्स, आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को घर बैठे ही किसी भी बीमारी के लिए या फिर साइटिका के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और घर बैठे ही अपना ट्रीटमेंट घर पर बुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए और दूसरों के साथ यह वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। अगली वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता।